हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो आर्ट विद खुशी। सो गाइस, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ स्टेनो का बेसिक बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो स्टेनो में 24 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं और आपके 12 जो है वोवल्स होते हैं, ठीक है। जिनमें से मैंने आपको 6 कॉन्सोनेंट बताए थे और वो कॉन्सोनेंट मैंने आपको इस एंगल से बताए थे, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल एंड थर्ड एंगल, ठीक है। जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताए थे 6 कॉन्सोनेंट, वो मैंने आपको डाउनवर्ड स्ट्रेट बताए थे। कौन कौन से बताए थे? PB, TD एंड नेक्स्ट बताया था क्या? JJ। और ये जो 6 के 6 कॉन्सोनेंट थे, ये मैंने आपको बताए थे कि डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स होते हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाले। नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ एंगल पे, मतलब नेक्स्ट जो हमारे कॉन्सोनेंट है वो हमारे होते हैं कौन से? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट स्ट्रोक्स में काउंट होंगे हमारे जो नेक्स्ट वाले स्ट्रोक्स हैं, ठीक है। लास्ट वाले जो थे हमारे डाउनवर्ड स्ट्रेट थे, अब जो है हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट है। स्ट्रोक्स का मतलब आप लोगों को पता ही है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स होंगे, सिंबल्स होंगे जो हमारे अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्ट्रेट का मतलब कि स्ट्रेट होना चाहिए, किसी भी कॉन्सोनेंट में कोई कर्व नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, चाहे किसी भी मोशन में आ रहा, ठीक है। प्लस इन्होंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, फिक्स मेंशन क्या किया है कि हॉरिजॉन्टल मतलब जो आप कॉन्सोनेंट बनाएंगे उसका मोशन फिक्स रहेगा क्या? हॉरिजॉन्टल मतलब कि लेफ्ट टू राइट में आपको उसका मोशन लेना है, हॉरिजॉन्टल ना कि ना ही डाउनवर्ड होना चाहिए ना ही अपवर्ड होना चाहिए, आपको उसका मोशन जो है कॉन्सोनेंट का वो रखना है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब जे और जे के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सोनेंट में आते हैं हमारा, मान लीजिए यहाँ पे क्या फोर्थ एंगल दिया है आपको, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक लेफ्ट टू राइट में लेना है, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉन्सोनेंट आपका क्या हो जाता है? के, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सोनेंट क्या होगा? के आपका, जो कि होता है लाइट। इस फोर्थ वाले एंगल का भी पेयर है, जैसे कि लाइट डार्क हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, तो अगर जो के है इसका मोशन है लेफ्ट टू राइट का, और ध्यान रखिएगा बेशक ये हॉरिजॉन्टल वाला, लेकिन आपको बनाना है इसको ऑन द लाइन ही है, मतलब लाइन पर ही बनाना है, लाइन के ऊपर नहीं। अगर आप यहाँ बनाएंगे तो वो रॉन्ग होगा। तो जो आपकी लाइन है, चाहे कॉन्सोनेंट दिख रहा है नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जो आपकी लाइन है उस पर आप हल्के हाथ से कॉन्सोनेंट को बनाओगे। लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों को एक नॉर्मल लेंथ बनानी है लाइन पर। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि किसी भी कॉन्सोनेंट का जो मोशन है वो आपको फिक्स रखना है, आपको कॉन्सोनेंट का मोशन कभी भी चेंज नहीं करना है। अगर पहले वाले जो हमने कॉन्सोनेंट पढ़े उनका मोशन डाउनवर्ड था, तो आपको फिक्स डाउनवर्ड ही रखना है, ये नहीं कि पी ऐसे बना था तो आपने उसको ऐसे बना दिया, नहीं। क्यों? देखो, अगर आप अभी मान लीजिए किसी भी कॉन्सोनेंट का मोशन चेंज करते हो, तो यहाँ पे क्या आप सिंगल एक अल्फाबेट पढ़ रहे हो, ठीक है। अल्फाबेट के बाद आपको एक वर्ड बनाना है, फिर वर्ड के बाद आपको सेंटेंस बनाना। तो अगर आप वर्ड बनाते हैं तो वर्ड का मतलब क्या है कि 3-4 अल्फाबेट्स को आप साथ में ज्वाइन करके बनाओगे, ठीक है। और ज्वाइनिंग होती कहाँ से है? आपने जो भी आपने पहले वाला कॉन्सोनेंट या अल्फाबेट जहाँ पे फिनिश किया होगा, आपको नेक्स्ट वाले को वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपने पी का मोशन कर दिया ऐसे, या किसी भी कॉन्सोनेंट का मोशन आपने चेंज कर दिया, तो जहाँ से वो खत्म होगा जो भी नेक्स्ट वाला है वहीं से स्टार्ट करोगे, ठीक है। अगर डाउनवर्ड है तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। तो कहने का मतलब, अगर आप मोशन चेंज करते हैं, हालांकि अभी तो कोई भी डिफरेंस नहीं लगेगा आपको, ठीक है। आपने के ऐसे बनाया तो भी राइट होगा, ऐसे बनाया तो भी, बट आगे जाके जब आप एक वर्ड बनाओगे, आप एक वर्ड की आउटलाइन बनाओगे, ज्वाइनिंग करोगे, तो वहां पे जो है इफेक्ट पड़ेगा आपकी ज्वाइनिंग पे। वहां पर शायद जो है आपकी ज्वाइनिंग वो उल्टी हो जाए या गलत भी हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें जिस भी कॉन्सोनेंट का जो भी मोशन है उसको एडजस्ट रखना है, मोशन में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। जो भी मोशन आपको बताया जा रहा है, आपको कॉन्सोनेंट के मोशन को फिक्स रखना है। डाउनवर्ड है तो कुछ भी हो जाए वो डाउनवर्ड ही रहेगा, चाहे सिंगल बनाए आप, चाहे आप उसको जॉइनिंग बना रहे हैं, आपको मोशन चेंज नहीं करना है। अगर हॉरिजॉन्टल बोला है इन्होंने तो फिक्स है कि वो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, लेफ्ट टू राइट ही रहेगा, राइट टू लेफ्ट आप कभी भी नहीं करेंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा कि किसी भी कॉन्सोनेंट का जो भी मोशन है आप कभी भी मोशन चेंज नहीं करेंगे, आपको एज इट इज जो भी मोशन दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, आप उसको उसी मोशन में बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये था आपका के का कॉन्सोनेंट, ठीक है। लाइट है, इसका भी पेयर होगा के का। के का पेयर क्या होता है? यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या? जी, जो कि होता है क्या? डार्क। अब अगर वो इसी का पेयर है, मतलब सेम मोशन, सेम साइज, सेम लेंथ, डिफरेंस क्या होगा? के था लाइट, गे आपका क्या हो जाएगा? डार्क, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल लेंथ है, जैसे आपने ऊपर वाला बनाया, सिर्फ डिफरेंस क्या है? लाइट और डार्क का। अब सेकंड थिंग, अगर मैं इसको जी पढ़ती हूँ, ठीक है, जैसे कि अभी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मैंने आपको जे बताया था, जे को हम पढ़ रहे थे, ये जे और ये है हमारा जी, इसको अब तब हम जी पढ़ते आए हैं, इसको हम जे पढ़ते आए हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई भी वर्ड आता है, मान लीजिए पेज वर्ड है आपके पास, अब आप पी बना देंगे, वोवल लगा देंगे, लेकिन जो ये जे वाला साउंड है, क्योंकि उस स्टेनो में हमने क्या पढ़ा है, हमें सिर्फ साउंड को फॉलो करना होता है, ठीक है। अगर हम साउंड को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे साउंड क्या आ रहा है? पी के बाद जा वाला
वाला साउंड आ रहा है, ठीक है। अब जे तो यहाँ पे हमारे पास दो हो गए, कैसे, एक ये वाला जे भी है, एक ये वाला जे भी है, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे किसी भी वर्ड में साउंड के अकॉर्डिंग। अगर वहाँ पे जा का साउंड आता है तो उस जा के लिए मैं इस जे को यूज़ करूँ या फिर मैं इस जी को यूज़ करूँ, ठीक है। तो पिटमैन जी ने क्या किया, ये जो कन्फ्यूजन हो रही है जा और जी की, इसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने बोला कि जो ये वाला जी है आप इसके साउंड को चेंज कर दीजिए, मतलब इसको आप जी ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, इसको आप गा का साउंड, इन्होंने क्या बोला, आप इसको गा का साउंड दे दीजिए, इसको आप गा प्रोनाउंस करेंगे। उसे फ्लो में पढ़ने के लिए के बाद गा थोड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा तो आप क्या बोलोगे, के बाद उसको गे प्रोनाउंस करोगे, ठीक है। मतलब किसी भी वर्ड में हमें स्पेलिंग से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ साउंड से मतलब है। अगर वर्ड में गा का साउंड है तो आप गा वाला कॉन्सोनेंट बनाओगे, ये वाला गे वाला, अगर जा का साउंड होगा तो आप जे बनाओगे, ठीक है। मान लीजिए पेज था, तो यहाँ पे अगर जे का साउंड है तो आपको ये वाला जे बनाना है, डाउनवर्ड स्ट्रेट वाला। गो वर्ड हो, गिवन वर्ड हो, गेम है, गवर्नमेंट है, तो जहाँ पे गा का साउंड है आप गे वाला कॉन्सोनेंट बनाओगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको साउंड का बहुत ध्यान रखना है। जो ज वाला साउंड है इसका साउंड इन्होंने चेंज कर दिया, यहाँ पे इन्होंने इसको जी ना पढ़ के गा प्रोनाउंस किया है, गे प्रोनाउंस किया है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपका गेम। नेक्स्ट आते हैं हम हॉरिजॉन्टल कर्व वाले स्ट्रोक्स पे, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल कर्व की, कि जो अभी स्ट्रेट में बन रहे थे वहाँ पे कुछ क्या हो जाएंगे, आपके कर्व स्ट्रोक्स आएंगे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो इनका भी सेम मोशन रहेगा, लेफ्ट टू राइट का मोशन ही रहेगा इनका भी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एंगल में बात करूँ, अब तक हमने ऊपर जो तीन एंगल पढ़े थे हमने इसको बढ़ा दिया, ठीक है। आपकी चॉइस है, अगर आपको इजी लग रहा है एंगल के अकॉर्डिंग, आपको याद करने में ईजी हो रहा है कि हाँ ये वाला एंगल है तो ये वाला कॉन्सोनेंट है, ये एंगल है तो ये कॉन्सोनेंट है, तो आपकी चॉइस है, आप इसको एंगल के अकॉर्डिंग याद करिए। अगर आपको लग रहा है नहीं मैं नॉर्मली भी याद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि हाँ ये वाला सिंबल है तो ये इसके लिए है, ये है तो ये इसके लिए है, आप इसको वैसे भी याद कर सकते हैं, आपकी चॉइस, जैसे आप कंफर्टेबल, जैसे आपको इजीली याद हो पा रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कर्व वाले हैं के और गे के बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे एम के कॉन्सोनेंट पे। एम जो होता है आपका लाइट होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि एम कौन सा वाला है, जो अभी हमने ऊपर फर्स्ट और थर्ड वाला एंगल पढ़ा था, इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक जितना यहाँ पे आपको ये कर्व दिया गया है, आपको एम के लिए उतना ही कर्व करके बनाना है। ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल यू शेप में नहीं है, आपको जो भी एम बनाओगे आपको थोड़ा सा दबा के ऐसे फैलाते हुए बनाना है, बिल्कुल यू शेप में नहीं बनाना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एम जो कि लाइट है और सिंगल है, इसका कोई पेयर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम किस पे, एन पे आते हैं। एन जो होता है वो क्या होता है, एम का ऑपोजिट, एम का ऑपोजिट है मतलब इसका उल्टा होगा, रिवर्स होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ एंगल में बात करूँ, एम का ऑपोजिट मतलब एम के जस्ट सामने वाला, इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक जितना इसमें आपको कर्व दिख रहा है आपको उतना ही कर्व बनाना है इस एन के लिए भी, ठीक है। ध्यान रखना जब आप एन को बनाओगे तो सिर्फ हल्के से कॉर्नर आगे पीछे के बाहर होते हैं, बाकी पूरी आउटलाइन जो है आपकी लाइन पर ही बनती है। मैं आपको पेंसिल से बना के दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके से होगी लाइन में, ठीक है। आपको पूरा इस तरीके से नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से नहीं बनाना है, आपको सिर्फ कॉर्नर निकालना है, बाकी पूरी आउटलाइन जो है आपकी लाइन पर ही बनेगी। ये होता है आपका एन जो कि लाइट होता है, ठीक है। एन का पेयर क्या होता है, आई एन जी, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे या तो इंग बोल सकते हो या तो फिर अंग बोल सकते हो, कि जहाँ पे भी इंग या अंग वाला साउंड है, गैंग हो गया और थिंग हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये होता है आपका डार्क, और जो इंग है ये इस एन का क्या होता है, पेयर। अगर ये इस एन का पेयर है, ध्यान रखना, अगर कभी भी पेयर की बात होती है तो आउटलाइन सेम होती है, डिफरेंस सिर्फ क्या होता है, लाइट एंड डार्क का, ठीक है। तो अगर ये इसका पेयर है तो सेम साइज होगा, सेम मोशन होगा, सेम लेंथ, सेम कॉन्सोनेंट बनेगा, डिफरेंस क्या होगा, जो आपका एन अभी लाइट था आप उसी को सेम आउटलाइन को सिर्फ अगर डार्क करके बना देते हैं, वन टाइम में डार्क करना है, ध्यान रखिएगा डबलिंग कभी भी नहीं करेंगे आप, तो वो हो जाएगा आपका क्या, इंग का कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो लाइट वाला जो है वो एन है, अगर आप सेम आउटलाइन को डार्क कर देते हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंग हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अगर आपने उसको डार्क कर दिया तो वो आपका इंग हो जाएगा, इंग या अंग दोनों ही बोल सकते हैं आप इसको, जो कि एन का पेयर होता है। अब अगर जितने अभी हमने कॉन्सोनेंट पढ़े, या तो 24 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, उसमें अगर मैं बात करूं कि टोटल हमारे हॉरिजॉन्टल वाले स्ट्रोक्स होते कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा सिर्फ 5 ही ऐसे स्ट्रोक्स हैं जो कि हॉरिजॉन्टल होते हैं पूरे 24 की सीरीज में, इसका ध्यान रखिएगा। कौन कौन से, जिसमें से अगर मैं बात करती हूँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वालों की, कि जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट स्ट्रोक्स है वो कितने होते हैं आपके, दो। कौन कौन से, जो अभी हमने पढ़े, के और गे, के और गे, ये दोनों क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट। और नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ हॉरिजॉन्टल कर्व वाले की, वो कितने होते हैं, जो अभी हमने जस्ट पढ़े हैं,
कितने होते हैं, तीन, कौन कौन से, एम एन और ई, एम एन और ई, ठीक है। तो टोटल जो आपके हॉरिजॉन्टल वाले हैं वो पांच ही स्ट्रोक्स होते हैं, जिसमें से अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट की तो वो दो होते हैं, कौन से, के और गे। इसको आप ध्यान रखिएगा, माइंड में बिठा लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वाले दो हैं, के गे, हॉरिजॉन्टल कर्व वाले तीन हैं, एम एन ई। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट जो आपके दोबारा से हम आएंगे डाउनवर्ड स्ट्रोक्स पे, ठीक है। ठीक है गाइस, अभी हमने हॉरिजॉन्टल वाले फिनिश किए, नेक्स्ट हम दोबारा से किस पे आएंगे, डाउनवर्ड कर्व स्ट्रोक्स पे। अभी जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे वो हमारे डाउनवर्ड स्ट्रेट वाले थे, जो कि पी बी टी डी, जे जे पी बी टी डी थे, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड कर्व की बात हो रही है, सीक्वेंस में चलिएगा। सबसे पहले डाउनवर्ड स्ट्रेट वाले थे पी बी टी डी जे जे, नेक्स्ट आए आपके हॉरिजॉन्टल वाले, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट में के गे था, हॉरिजॉन्टल कर्व में एम एन इंग था। नेक्स्ट आते हैं डाउनवर्ड कर्व स्ट्रोक्स, स्ट्रोक्स आपके वही सिंबल हो गए। कर्व का मतलब कि कहीं ना कहीं हल्का सा इसमें कर्व जरूर होगा, आपके कॉन्स्टेंट प्लस मोशन क्या बोला है इन्होंने, फिक्स डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ ही बनेंगे, आपको मोशन चेंज नहीं करना है। अगर डाउनवर्ड है तो फिक्स है, डाउनवर्ड ही चलेगा। अब हम एंगल की बात करते हैं, इसमें जिस सीक्वेंस में मैं आपको कॉन्सोनेंट बता रही हूँ आप कोशिश करिएगा इस कॉन्सोनेंट को या स्ट्रोक्स को सेम सीक्वेंस में रखिएगा, आगे पीछे मत करना, इसको एज इट इज सेम सीक्वेंस में ही याद करना, आगे पीछे बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो डाउनवर्ड कर्व में जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट आता है, अगर मैं यहाँ पे एंगल की बात करूँ आपके इस वाले एंगल से लेकर इस वाले एंगल तक, मतलब ये जो आपको यहाँ पे इतना ये कर्व दिख रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, मतलब ये इस तरीके से, ये आपका क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रोक जो होगा वो होगा आपका एफ का, वो होता है आपका लाइट। डाउनवर्ड कर्व की बात कर रहे हैं, फर्स्ट है आपका कॉन्सोनेंट एफ लाइट, जो कि डाउनवर्ड है। बनेगा कैसे, जितना आपको यहाँ पे कर्व दिख रहा है आपको ध्यान रखना है उतना ही कर्व करके आपको ऑन द लाइन बनाना है। जब भी आप इसको बनाएंगे ध्यान रखिएगा इसमें ऐसे एंगल ना बने, कर्व है तो यहाँ पे प्रॉपर कर्व आना चाहिए। जब आप स्टार्ट करके लाइन को टच करोगे, टच करने के बाद आपको थोड़ा सा और इसको आगे लेके जाना है लाइन के ऊपर, भी थोड़ा सा आपको आगे तक इसको बढ़ाना है, ठीक है। ये हो गया आपका F, इसका जो पेयर होता है वो क्या होता है आपका V। अब इसका पेयर है मतलब सेम एंगल से बन रहा है, सेम मोशन, सेम साइज, सेम लाइन, डिफरेंस क्या होगा, F था लाइट, V क्या हो जाएगा आपका डार्क, ठीक है। ये हो गया आपका डार्क, रखिएगा आपको लाइट और डार्क वन टाइम में करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो होता है आई टी एच, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इथ, इसको हम पढ़ते हैं क्या, इथ। इथ मतलब सिर्फ यहाँ पे हम फ्लो की इथ पढ़ रहे हैं, इथ का मतलब कि जहां पे भी था वाला साउंड है, थैंक है, थिंक है, थॉमस है, कुछ भी जहां भी था का साउंड आता है आपको सिर्फ इस वाले कॉन्सोनेंट को अप्लाई करना है, बाकी जो भी आगे पीछे वर्ड है वोवल है वो आप अप्लाई करोगे, लेकिन था वाले साउंड के लिए आप हमेशा इथ को अप्लाई करोगे। लेकिन जब आप यहाँ पे रीड करोगे इसको सीक्वेंस में तो एफ वी, यहाँ पे आप इसको इथ प्रोनाउंस करोगे, ठीक है। ये होता है लाइक, जैसे हम इंग्लिश में सी बनाते हैं लाइक, आपको वैसे ही बनाना है, बिल्कुल कर्व नहीं रखना, हल्का सा कर्व रखना है। अगर मैं एंगल की बात करूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज मत हो जाना आप, जो हमारा ये वाले पॉइंट है, मतलब जो ये इतना कर्व आ रहा है ये इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक, यही होता है आपका इथ, ठीक है। तो आपको सी की तरह बनाना है, चाहो तो आप बिना एंगल को याद ना करके नॉर्मली भी इसको याद कर सकते हो, आपकी चॉइस है। नेक्स्ट क्या होता है इसका पेयर, टी एच डबल ई, इसको हम क्या पढ़ते हैं, दी। दी मतलब जहाँ पे भी द वाला साउंड है, दो है, देम है, ठीक है, जहाँ पे भी द वाला साउंड होगा आप इसको अप्लाई करोगे। अब क्योंकि ये इसी का पेयर है, सेम साइज, सेम मोशन, सेम लेंथ, इथ था लाइट और दी क्या हो जाएगा आपका डार्क, आपको वन टाइम में डार्क करना है। देखिए पेंसिल से दिखाती हूँ मैं, ये हो गया लाइट, ये हो गया आपका डार्क, वन टाइम में जो है ये डार्क हो रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, अगर कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इथ दी के बाद क्या आते हैं, नेक्स्ट होता है आपका एस, एस जो होता है आपका लाइट होता है, डाउनवर्ड होता है। एस जो है एस को आप कह सकते हो क्या, जो अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा है, क्या पढ़ा है, इथ, इथ का ऑपोजिट। इथ कैसे बना, सी की तरह लाइट, ये भी लाइट है, सबको सेम है, डिफरेंस क्या होगा, ऑपोजिट मतलब उसकी मिरर फॉर्म कह लो, उसकी रिवर्स फॉर्म, आप इसको कुछ इस तरीके से बना दोगे। अगर मैं एंगल में बात करूंगी तो इसके जस्ट सामने वाला, क्योंकि ऑपोजिट की बात हो रही है, जस्ट सामने वाला जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा एस वाला पेयर, ठीक है। तो आप पेंसिल से बनाइएगा इसको, ये हो गया आपका लाइट में एस। इसका पेयर क्या होता है, जेड डबल ई, इसको क्या पढ़ते हैं, जी।
ज नहीं है ज, एक हल्का सा हैवी साउंड आता है, जा से भी हैवी साउंड जो होता है वो होता है ज वाला, और मतलब एक डॉट लग गया नीचे, थोड़ा सा हैवी साउंड हो जाता है, तो वो हो गया आपका ज। तो यहाँ पे इसको क्या पढ़ते हैं, जी वाला साउंड है, इसी का पेयर है, सेम साइज सेम मोशन सेम लेंथ में अगर आप डार्क कर देते हैं तो वो हो जाएगा आपका जी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आई एस एच, मतलब कि इश, इसको क्या पढ़ते हैं हम, इश पढ़ते हैं, मतलब कि जहां पे भी एस एच वाला साउंड है, सॉरी ये भी आपका लाइट होता है, डाउनवर्ड होगा, इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं एफ का ऑपोजिट। एफ कैसे बनाया था, अभी हमने ऊपर बनाया था ये कर्व में, इसका ऑपोजिट मतलब इसके मिरर फॉर्म ये जो है इस तरफ से आएगा। इसमें भी ध्यान रखना है एंगल नहीं बनना चाहिए, कर्व है एंगल नहीं बनना चाहिए, प्रॉपर कर्व बनाना है आपको इस तरीके से। थोड़ा सा इसको बनाने में दिक्कत आती है, लेकिन आप तीन चार लाइन में बनाएंगे तो आपका जो हाथ है वो सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जेड एच डबल ई, जही, जो अभी ये वाला साउंड पड़ा, ये और ये एक ही साउंड है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस एक हल्का सा क्या है कि जो ये वाला साउंड है ये भी नॉर्मल है, जो ये साउंड है यही अगर साउंड थोड़ा सा लॉन्ग खींचता है तो वो जो है ये वाला साउंड बन जाएगा। ठीक है, जी जही थोड़ा सा हैवी साउंड है, साउंड सेम है, बस ये वाला साउंड थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये है इसका डार्क, ईश का पेयर है तो डार्क हो जाएगा, सेम साइज सेम मोशन सेम लेंथ में क्या हो जाएगा आपका डार्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दोनों में डिफरेंस के लिए, इस वाले जी में और इस वाले जही में मान लो मैंने वॉस वर्ड लिखा और एक मैंने वर्ड लिखा यूजुअल, जो यूजुअल में जी आ रहा है थोड़ा सा हैवी है, जो वॉस का जी है वो थोड़ा सा हल्का है, तो जो वॉस में जी आ रहा है वो ये वाले जी की बात कर रहे हैं, जो यूजुअल में आ रहा है वो इस वाले जही की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। सेकेंड थिंग, जो यहाँ पे इन्होंने अभी एस लिखा है, एस बोला है, यहाँ पे मैंने लिखा है अभी इश, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, वैसे तो हम बोलते हैं कि स्टेनो में हमें कभी भी स्पेलिंग देखने की जरूरत नहीं होती, हम सिर्फ साउंड को फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन एक दो वर्ड्स में कुछ कंडीशंस में हम स्पेलिंग भी चेक करते हैं कैसे और कहाँ पे। जैसे यहाँ पे एस और जी की बात कर रहे हैं, एस है और सॉरी एस और इश की बात कर रहे हैं। आपको हमेशा ही ध्यान रखना है किसी भी वर्ड में इन दोनों के लिए कि स्पेलिंग में क्या है। अगर स्पेलिंग में एस है, मान लो एस ए डब्ल्यू है और एस एच ओ डब्ल्यू है, ठीक है, हालांकि साउंड भी क्लियर हो रहा है, बट फिर भी कई बार क्या होता है साउंड क्लियर नहीं होता या साउंड हमें लगता है एक जैसा, तो हमें इन दोनों वर्ड्स के लिए मतलब एस और जी के लिए हमें साउंड पे नहीं जाना है, हमें हमेशा स्पेलिंग चेक करनी है। अगर स्पेलिंग में एस है तो आप एस वाला कॉन्सोनेंट बनाओगे, अगर स्पेलिंग में एस एच है तो आप इश वाला कॉन्सोनेंट बनाओगे। हमेशा ध्यान रखिएगा एस और इश वाले के केस में आपको स्पेलिंग चेक करनी पड़ेगी। अगर स्पेलिंग में एस होगा तो आप एस का कॉन्सोनेंट बनाएंगे, एस एच होगा तो आप इश वाला कॉन्सोनेंट बनाएंगे। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं, आपके डाउनवर्ड कर्व वाले भी फिनिश हो चुके हैं, नेक्स्ट आते हैं अपवर्ड स्ट्रोक्स पे। अब यहाँ पे थोड़ा मिक्स है, मतलब इसमें डाउनवर्ड अपवर्ड मिक्स होंगे, वो मैं साथ में मेंशन कर दूंगी। ठीक है, जो अपवर्ड वाले स्ट्रोक्स हैं, मतलब स्ट्रोक्स तो ये आपके सिंबल्स हो गए, अपवर्ड का मतलब मोशन फिक्स है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं भी होंगे वो साथ में मैं मेंशन करूंगी। तो इश और जही के बाद ये वाला कॉन्सोनेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे हाफ सर्कल लेती हूँ कि मुझे हाफ की ही जरूरत है, इसको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक एक पार्ट है ये वाला, और ये है इधर का नेक्स्ट वाला। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट स्ट्रोक है वो होता है क्या, लाइट एल, एल होता है जो कि होता है लाइट। अब अपवर्ड वाले जितने भी स्ट्रोक्स हैं सारे सिंगल हैं, किसी का भी पेयर नहीं है, सारे सिंगल सिंगल ही चलेंगे। ठीक है, एल जो होता है लाइट मोशन अपवर्ड बनेगा कैसे, आपके इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जितना कर्व जितना ही जा रहा है उठा हुआ, आपको उतना ही सेम वैसे ही बनाना है कुछ इस तरीके से। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल यही नहीं छोड़ना, थोड़ा सा आगे तक लेके जाना है इसको। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एल का स्ट्रोक, जो कि लाइट है, सिंगल है, कोई पेयर नहीं है, अपवर्ड। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं यू सी, मतलब अपवर्ड कर्व, सी का मतलब क्या है कर्व, अपवर्ड कर्व। ठीक, क्योंकि इसमें कुछ स्ट्रेट में मिक्स होंगे, तो ये हो गया आपका अपवर्ड कर्व। नेक्स्ट आते हैं डब्ल्यू पे, डब्ल्यू को हम क्या पढ़ते हैं वे, ठीक है, यूज होगा डब्ल्यू के लिए स्पेलिंग में, लेकिन पढ़ते क्या है इसको हम वे। ये भी आपका लाइट होता है, कोई किसी का पेयर नहीं है, सारे ही सिंगल है, ये भी अपवर्ड है। डब्ल्यू कैसे बनाना है, आपको एक स्मॉल हुक बनाना है स्टार्टिंग में, और बिल्कुल जैसे आप राइट का साइन बनाते हो आपको वैसे ही बनाना है। ध्यान रखना है हुक बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे ये हुक क्लोज भी नहीं होना चाहिए और ये डाउनवर्ड भी नहीं होना चाहिए, आपको हल्का सा हुक बनाना है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जो है ऊपर की तरफ इस तरीके से बना देनी। ये हो गया आपका डब्ल्यू। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं वाई पे, जिसको हम क्या बोलते हैं ये,
ये भी आपका लाइट होता है। जो W था वे, वो आपका अपवर्ड स्ट्रेट है। देखो इसमें कहीं पे कोई भी कर्व नहीं दिख रहा है, जो ये स्टार्टिंग में लगा है वो हुक है, तो उसे आप कर्व नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कॉन्सोनेंट तो पूरा आपका स्ट्रेट या सीधे हुक लगा है। तो जो W था वो अपवर्ड स्ट्रेट है। नेक्स्ट आती है ये पे, ये जो है ये भी अपवर्ड स्ट्रेट होता है, लाइट होता है, कोई किसी का पेयर नहीं है। इसको आप बोल सकते हो ये को W का ऑपोजिट। ऑपोजिट कैसे होगा, आउटलाइन तो सेम होगी, डिफरेंस क्या हुआ हुक का, जो वाई है उसमें जो हुक है आपका वो जाएगा नीचे की तरफ से, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट आउटलाइन है। हुक जो है स्मॉल है और नीचे की तरफ से, ध्यान रखिएगा, अगर ये हुक क्लोज हो जाएगा तो इसका मीनिंग कुछ और है, अगर आपने डाउनवर्ड बना दिया तो मीनिंग कुछ और है, अगर आपने बिल्कुल कर्व कर दिया तो भी वो हो जाएगा रॉन्ग। तो आपको स्मॉल हुक बनाना है और बिल्कुल एक स्ट्रेट अपवर्ड में एक लाइन बना देनी है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये हो गया आपका वाई या फिर ये, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपको मैंने जब फर्स्ट क्लास में डेमो दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था, तो मैंने आपको बताया था कि दो कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जो दो तरीके से बनते हैं। एक बताया था मैंने आपको एच, एक बताया था मैंने आपको आ, ठीक है। सबसे पहले एच की बात करते हैं। एक होता है आपका हे, एक होता है नॉर्मल एच, दोनों एच लाइट है, ठीक है। जो हे है वो हमेशा अपवर्ड होगा, दूसरा वाला जो है वो डाउनवर्ड होता है। जो अपवर्ड वाला एच है, जो अभी आपने ये वाई का कॉन्सोनेंट बनाया है, यहाँ पे क्या किया आपने, हुक बनाया और एक अपवर्ड वाला स्ट्रोक जो है बना दिया। आपको सेम यहाँ पे भी आउटलाइन बनानी है, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, जो ये हुक अभी आपने ओपन किया था, अगर आप सेम आउटलाइन में इस हुक को क्लोज करके बनाते हैं अपवर्ड फॉर्म में, वो हो जाएगा आपका हे, मतलब कि अपवर्ड वाला एच। बस आपको ध्यान ये रखना है, जब आप इस वाले एच को बना रहे हैं तो जो ये सर्कल आपने बनाया, इस सर्कल में डबलिंग नहीं होनी चाहिए, आपको वन टाइम में क्लोज करना और बिल्कुल बाहर निकल जाना है। अगर आप इस पर डबलिंग करते हैं दैट मीन्स वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आप वन टाइम में एक सर्कल बनाते हुए, मतलब डबलिंग नहीं होनी चाहिए, और जहाँ पे क्लोज हुआ बिल्कुल वहीं से आप बाहर निकल जाओगे स्ट्रेट में, ठीक है। प्लस ये कर्व नहीं होना चाहिए, डाउनवर्ड नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट का मतलब कि स्ट्रेट ही जाएगा, ये होता है आपका अपवर्ड स्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट है एच, नॉर्मल एच बोलेंगे इसको, उसको बोलेंगे हे। तो जो डाउनवर्ड वाला एच है उसमें आप एक स्मॉल सर्कल लगाओगे और एक डाउनवर्ड, जो चे का कॉन्सोनेंट था ना, बिल्कुल एक स्ट्रेट डाउनवर्ड आप नीचे की तरफ लाइन बनाते होगे कुछ इस तरीके से, ये हो गया आपका हे। सर्कल दोनों में स्मॉल है और सर्कल जो है वो वन टाइम में क्लोज हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा आप डबलिंग मत कर दीजिएगा, अगर आप डबलिंग करते हो तो वो रॉन्ग होएगा। आपको बिल्कुल वन टाइम में स्मॉल सर्कल बनाना है और एक डाउनवर्ड वाला स्ट्रोक जो है नीचे की तरफ बना देना है, वो हो जाएगा आपका डाउनवर्ड एच, और जो अपवर्ड वाला है उसको आप पढ़ते हैं हे, ठीक है। तो ये है डाउनवर्ड स्ट्रेट, जो एच वाला है जो हे है वो है अपवर्ड स्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मैंने आर की भी आपको दो फॉर्म बताई थी, एक होता है रे, एक होता है नॉर्मल आर, दोनों लाइट होते हैं, ठीक है। हे या रे का मतलब है कि वो अपवर्ड वाली फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो रे है उसके लिए आपको एक अपवर्ड स्ट्रोक बनाना है कुछ इस तरीके से। अब आप बोलोगे कि हम तो इसको चे या जे भी पढ़ लेंगे, तो आप चे या जे इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे। क्यों नहीं पढ़ोगे, देखो अगर आपको ध्यान हो, जो हमने चे और जे बनाया था, पहली बात तो वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, प्लस जो वो है स्ट्रोक जो थे इनके वो कम स्लाइड होते हैं, कम झुके हुए होते हैं। लेकिन जो आर है वो अपवर्ड है, प्लस बिल्कुल ही स्लाइड है, बिल्कुल ही झुका हुआ है, बिल्कुल ही गिरा हुआ है, ठीक है। तो ये आर जो है बिल्कुल ही गिरा हुआ है, कोई कैरेक्टर नहीं है इसका, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही गिरा हुआ है। जो चे और जे है वो थोड़े से नॉर्मल है, कम झुके हुए हैं, कम स्लाइड है, लेकिन ये जो है पूरा ही गिर चुका है। तो जो आर है अपवर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल ही गिरा हुआ है, ठीक है, रे मतलब जो है। और जो नॉर्मल वाला आर है, अभी जो हमने यहाँ पे एल पढ़ा था अपवर्ड फॉर्म में, यहाँ से अब जो उसकी नेक्स्ट वाली साइड बची थी वो होती है आपकी आर, मतलब आप इस आर को बोल सकते हो क्या एल का ऑपोजिट भी बोल सकते हो, इस तरीके से बनाना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा कर्व भी नहीं है, बिल्कुल आप स्टार्ट करोगे ऐसे नीचे की तरफ आकर लाइन को टच करके फिनिश कर दोगे, ये हो गया आपका क्या डाउनवर्ड आर। तो जो रे है वो है अपवर्ड स्ट्रेट, जो आर है नॉर्मल वो है डाउनवर्ड कर्व। तो प्लीज़ जब भी आप बनाएंगे आउटलाइंस को, पहले तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले वाले में कि हर आउटलाइन का आपको पेयर बनाना है, ठीक है। जैसे कि M है वो सिंगल बनेगा, उसके बाद N और E को आप पेयर में बनाओगे, लाइट डार्क कॉपी के हाफ पेज पे आपका MN चलेगा या NN चलेगा, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना आप लोग, आपको कैसे करना है कि जितने भी मैंने अभी आपको पेयर बताए हैं, मतलब लास्ट आई थिंक मैंने आपको एम से बताया है आई थिंक, तो आप पेयर में जब उनकी प्रैक्टिस करोगे कैसे करोगे, मान लीजिए आपका फर्स्ट पेयर है एम का, एम लिखना, ये क्या था आपका हॉरिजॉन्टल कर्व, आप कॉपी का जो हाफ पेज है कम से कम 7 या 8 लाइन कोशिश करना, उससे कम मत करना, इसको मन में बोलते हुए जैसे भी आपको याद हो पाए आप बनाइएगा कैसे, एम 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 लाइट लाइट
ध्यान रखिएगा, आउटलाइन बहुत क्लीन होनी चाहिए, बहुत क्लियर होनी चाहिए, लेंथ का ध्यान रखना है, ठीक है। पेंसिल से बनाना, पेंसिल नहीं, ये हो गया आपका एम, लाइन छोड़नी नहीं है। जब ये हाफ कवर हो जाए तो सेकंड हाफ में नेक्स्ट पेयर क्या था, मैं आपको यही बता रही हूँ, सेकंड हाफ में करना, वो हो जाएगा आपका एन और इन। ये भी क्या थे, हॉरिजॉन्टल कर्व थे, ये भी सेम बनेंगे, एन इन, लाइट डार्क, लाइट डार्क, एन इन, ये भी फर्स्ट मतलब सेकंड हाफ में ये होंगे। नेक्स्ट हाफ में क्या था, एन इन के बाद एफ और वी, ठीक है, ये क्या थे, डाउनवर्ड कर्व। आपको सबके मोशन बहुत अच्छे से याद रखने हैं, अगर आप मोशन गलत कर देंगे तो आउटलाइन गलत हो जाएगी, पहली बार तो ज्वाइनिंग हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मोशन चेंज नहीं करना है, कौन सी आउटलाइन किस तरीके से बन रही है, कर्व है, स्ट्रेट है, क्या है और उसका मोशन क्या है, वो आपको माइंड में बिल्कुल सेट करना है अच्छे से। एफ और वी क्या होते हैं, डाउनवर्ड कर्व, एफ वी, लाइट डार्क, हाफ में। ऐसे ही आपको जितने भी कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताए हैं आपको, वो सारे के सारे कंप्लीट करने हैं। आज जो है मैंने आपको पूरे के पूरे 26 कॉन्सोनेंट कंप्लीट करा दिए हैं, तो कॉन्सोनेंट आपके जो है सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। तो कोशिश करिएगा नेक्स्ट क्लास से पहले आप जितने भी कॉन्सोनेंट मैंने बताए हैं, अगर वो पहले वाले याद हो चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुए हैं तो जैसे अभी मैंने बताया आपको हाफ हाफ पेज में उसको लिखने के लिए पेयर में, आप उसको वैसे ही लिख लिख के याद कीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, जितने भी कॉन्सोनेंट है वो अच्छे से आपके माइंड में उनके मोशन आउटलाइन जो है वो सेट हो सके, ठीक है। तो यहाँ तक आप अच्छे से कर लीजिएगा, कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ 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 आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आउटलाइंस को गलत मत बनाइएगा, बिल्कुल करेक्ट बनाइएगा, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, और कोई भी आपके डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाने का तरीका या जो भी है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, ओके बाय बाय।